केंद्र सरकार ने सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक, शेयरइट और वीचैट समेत कुल 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। चीन के साथ तनाव के बीच इन ऐप पर रोक लगाने की मांग की जाने लगी थी। इन ऐप्स का भारत में अरबों का कारोबार है और इनके डाउनलोड का बड़ा हिस्सा भारत में ही होता है। चीन की दिग्गज कंपनियों अलीबाबा, बाइटडांस, बाइडू, टेंसेंट आदि ने इन ऐप में भारी निवेश किया है। भारत में इनकी डाउनलोडिंग का बड़ा हिस्सा है, इसलिए इन कंपनियों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो सकता है। इनके वैल्यूएशन पर भी असर पड़ सकता है। भारत के कुल ऐप डाउनलोड का करीब 50% हिस्सा चीनी ऐप का ही होता है।